हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। सो गाइस, अब हम बात करेंगे पेपर 8 में, जो क्या हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पेपर 8। इस पेपर का जो हमारा नेम है, ये किस नेम से आपका पेपर आएगा, एंड बिजनेस एंड क्लिनिकल असेट्स इन ऑप्टोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टॉपिक देख लेते हैं एंड कितने टॉपिक हैं हमारे यहाँ जो हमें इस पेपर में कवर करने होंगे, जो हमें स्टडी करने होंगे। तो टोटल जो हमारे टॉपिक हैं यहाँ पे वो 8 हैं, मतलब हमें 8 टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं इस पेपर में। तो नंबर 1 है हमारा द लीगल एनवायरमेंट, नंबर 2 टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, नंबर 3 प्लानिंग, नंबर 4 मार्केटिंग, नंबर 5 मैनेजमेंट थ्योरी, एंड नंबर 6 मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम नीड एंड इम्पोर्टेंस, नंबर 7 प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट जनरल क्लिनिकल एंड स्पेशलिटी क्लिनिक्स, नंबर 8 सेटअप ऑफ एन ऑप्टोमेट्री क्लिनिक विद एंड विदाउट ऑप्टिकल आउटलेट। तो इसमें हमारे टोटल 8 टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। सो उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। सो इलेक्टिव पेपर फर्स्ट में हमारा है आई बैंकिंग। आई बैंकिंग में हमारा नंबर 1 जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू आई बैंकिंग हिस्ट्री एंड माइलस्टोन्स रिक्वायरमेंट इन आई बैंक। इसमें सारा हम आई बैंकिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या रही है और आई बैंक में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर 2 ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आई बैंक, पर्सनल इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इंस्ट्रूमेंट। नंबर 3 है हमारा टिश्यू रिट्राइवल हैंडलिंग ऑफ टिश्यूज प्रिजर्वेशन टेक्निक। उसके बाद में हमारा नंबर 4 है एवेल्यूएशन टेक्निक स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 5 लीगल एस्पेक्ट्स केराटोप्लास्टीज एडवांस्ड केराटोप्लास्टीज। तो ये हमारे इसमें टोटल 5 टॉपिक जो है वो हमारे आई बैंक में हमारा जो इलेक्टिव्स है उसमें इंक्लूड रहेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपना इलेक्टिव पेपर 2 क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमारा पहला है मेंटल हेल्थ क्राइटेरियन, मेंटल हेल्थ एंड इलनेस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेल बींग एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंटल इलनेस, एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज एंड सोशलो डेमोग्राफिक कोरिलेट्स ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया। नंबर 2 इसमें सोशल क्लास सोशल चेंजेस कल्चरल शॉक माइग्रेशन रिलीजियन एंड जेंडर रिलेटेड इश्यूज विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। नंबर 3 है हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड रिहैबिलिटेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबिलिटीज, बिहेवियरल मॉडल इवेल्यूशन ऑफ बिहेवियरल मॉडल साइकोलॉजी डायनामिक्स मॉडल इवेल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी साइको डायनामिक मॉडल एंड कॉग्निटिव मॉडल एंड इवेल्यूशन। नंबर 4 है हमारा केस हिस्ट्री इंटरव्यूइंग साइकोलॉजिक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेवियर्स डिसऑर्डर्स स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैबिट एंड इम्पल्स डिसऑर्डर्स मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर साइकोसोमेटिक्स डिसऑर्डर। एंड नंबर 5 ये हमारे इलेक्टिव्स हैं। एंड नंबर 5 है हमारा साइकोपैथोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर स्योरस्क्रेफिनिया साइकोलॉजिकल ऑफ इमोशनल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेंसेस मेंटल रिट्रैक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन इटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन। उसके बाद है हमारा इसमें नंबर 5 हो गया, उसके बाद ये हमारी टेक्स्ट बुक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सेकंड ईयर, अब हम बात करेंगे सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर थे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ऐसे ही हमारे सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर हैं। अभी हम सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर पर आ गए हैं, जिसमें हमारा पेपर नाइन्थ जो हमारा वो कॉर्निया एंड कॉन्टेक्ट लेंस। स्पेशली हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉर्निया एंड कॉन्टेक्ट लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे कितने टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल। तो नंबर 1 है हमारा इसमें
करंट कॉन्सेप्ट इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कॉर्निया एंड टियर फिल्म, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल इन रिलेशन टू कॉन्टैक्ट लेंस वियर यूज ऑफ स्लिट लैंप इन कॉन्टैक्ट लेंस एंड प्रैक्टिस। इसमें हम करंटली कॉन्सेप्ट सारा हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, मीन्स जो हमारी कॉर्निया है एंड उसकी टियर फिल्म, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी क्या है एंड उसके फंक्शंस क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड कॉन्टैक्ट लेंस का हम पूरा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन नंबर टू हमारा जो टॉपिक है इसमें रिव्यू ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन कंटेंट्स द इफेक्ट्स ऑफ वियर ऑन कॉन्टैक्ट लेंस। इसमें सारे हम कॉन्टैक्ट लेंस कवर करेंगे कि कॉन्टैक्ट लेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं एंड लॉन्ग टर्म्स कॉन्टैक्ट लेंस एंड शॉर्ट टर्म्स कॉन्टैक्ट लेंस एंड प्लस कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो कैसे इफेक्टिव होते हैं हमारी आईज पर। एंड सेकेंड थिंग इसमें हम देखेंगे जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो कैसे वियर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए और शॉर्ट टर्म्स के लिए। दूसरा थर्ड जो है हमारा वो है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस कॉम्प्लिकेशंस कॉजेज एंड मैनेजमेंट, आरजीपी कॉम्प्लिकेशंस मैनेजमेंट, क्रेटोकोनस ओवरव्यू एंड कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग। सो जैसे आप देख रहे हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं हमारे, उसमें हमारी उसमें एक तरह से मैं नॉर्मल बताऊं जो पानी की मात्रा ज्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में हमारे कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं, जैसे अगर सॉफ्ट होगा मीन थोड़ा वेटेड होगा कंपेयर टू हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, तो उसमें क्या होता है क्रेटोकोनस होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। देन उसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर है कॉन्टैक्ट लेंस फॉर चिल्ड्रन, मीन्स बच्चों के लिए, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो बच्चों के लिए कैसे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस फॉर चिल्ड्रन, कॉन्टैक्ट लेंस फॉर अफेकियास, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस इन पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिसको हम PRK भी होती है हमारी एक, तो इसमें कैसे बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस अफेकियास। नंबर फाइव है हमारा लेंस चॉइस फॉर एस्टिगमेटिज्म, मींस जो हम क्या है पेशेंट को जिसे किसी को रिफ्रैक्टिव एरर होता है या फिर उसको प्रेसबायोपिया की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में कैसे चॉइस, कैसे हमें उसको सजेस्ट करना है, कैसे उसको पूरा मेजरमेंट रहता है, तो इसमें हमारे दो तरह के कॉन्टैक्ट लेंस इंक्लूडेड रहते हैं, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस डिजाइन एंड RGP लेंस डिजाइन। सो इसके बारे में हम टोटल कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद है हमारा लो विजन एंड रिहैबिलिटेशन, नेक्स्ट पेपर है हमारा। तो क्लिनिकल इवेल्यूशन ऑफ लो विजन पेशेंट, प्रोग्नोस्टिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लो विजन टाइप्स टू, मीन्स हमारा नंबर जो हमारा सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ लो विजन एड, जो हमारे लो विजन एड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ऑप्टिकल एड्स, नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लिनिकल इवेल्यूशन में असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्विटी, विजुअल फील्ड, सिलेक्शन ऑफ लो विजन एड। नंबर थ्री है हमारा ऑप्टिक्स ऑफ लो विजन लेंसेज, लो विजन लेंसेज जो हमारी ऑप्टिक्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स अफेक्टिंग सक्सेस एंड हाउ टू इम्प्रूव रिजल्ट, न्यू डेवलपमेंट एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, नंबर सिक्स है हमारा लो विजन केयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड, मोबिलिटी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। सेवन है पीडियाट्रिक लो विजन केयर, लो विजन एड डिस्पेंसिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग एस्पेक्ट्स। नंबर एट है हमारा विजुअल रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लो विजन इन इंडिया केस एनालिसिस। उसके बाद में हमारा पेपर 10 रिसेंट एडवांसमेंट इन ऑप्टोमेट्री, इसमें इन दिस कोर्स रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिक इन ऑप्टोमेट्री विजन साइंस जर्नल विल बी डिस्कस्ड, दिस विल बी अनेबल द स्टूडेंट टू कीप अब्रेस्ट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंस। इसमें हमारा प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का रहा है, डेजरेशन का हमारा स्पेशल क्लिनिकल का रहता है, प्रोजेक्ट रहता है हमारा। सो उसके बाद में हमारा सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर उसमें हमारा स्पेशल क्लिनिकल का रहता है और प्रोजेक्ट का रहता है। सो गाइज ये था हमारा MOPTO का फुल सिलेबस एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।